सिलेक्शन मेंटर पर सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है 2022 में गणतंत्र दिवस परेड की झांकी के परिणाम। हाल ही में गणतंत्र दिवस परेड 2022 की सर्वश्रेष्ठ झांकी और सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ियों के परिणाम घोषित किए गए हैं। इसके लिए न्यायाधीशों के 3 पैनल नियुक्त किए गए थे। इन झांकियों को 3 सेवाओं, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों, अन्य सहायक बलों और विभिन्न राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय मंत्रालयों विभागों की झांकियों के रूप में बांटा गया है। इसमें भारतीय नौसेना के मार्चिंग दल को तीनों सेनाओं में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल के रूप में चुना गया है। 26 जनवरी 2022 को गणतंत्र दिवस में भाग लेने वाले 12 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया। उत्तर प्रदेश की झांकी एक जिला एक उत्पाद और काशी विश्वनाथ धाम विषय पर बनी थी। दूसरा स्थान कर्नाटक के पारंपरिक हस्तशिल्प के पालने पर आधारित झांकी को मिला है। मेघालय को राज्य के गठन के 50 साल पूरे होने और महिलाओं के नेतृत्व वाली सरकारी सहमतियों पर अपनी झांकी के लिए तीसरा स्थान मिला है। केंद्रीय मंत्रालयों विभागों की श्रेणी में शिक्षा मंत्रालय और नागरिक उड्डयन मंत्रालय की झांकियों को संयुक्त विजेता घोषित किया गया है। शिक्षा मंत्रालय की झांकी का विषय राष्ट्रीय शिक्षा नीति था, जबकि नागरिक उड्डयन मंत्रालय की झांकी उड़े देश का आम नागरिक विषय पर आधारित थी। आवास और शहरी मामलों में मंत्रालयों में झांकी सुभाष @125 और वंदे भारतम में नृत्य समूह को विशेष पुरस्कार की श्रेणी के लिए चुना गया है। लोकप्रिय पसंद श्रेणी में राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों में महाराष्ट्र को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया। महाराष्ट्र की झांकी महाराष्ट्र की जैव विविधता विषय पर आधारित थी। संचार मंत्रालय डाक विभाग की झांकी को लोगों के चयन के आधार पर केंद्रीय मंत्रालयों विभागों में सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया। झांकी की थीम थी इंडिया पोस्ट 75 years @resolve women empowerment। इस पर आधारित आज का प्रश्न, हाल ही में गणतंत्र दिवस परेड 2022 की सर्वश्रेष्ठ झांकी और सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ियों के परिणाम घोषित किए गए हैं। इस पर आधार पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. परेड में भाग लेने वाले 12 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया है। 2. नागरिक उड्डयन मंत्रालय की झांकी उड़े देश का आम नागरिक विषय पर आधारित थी। उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है? हैं केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना ही 1 ना ही 2। आपको इस प्रश्न का उत्तर नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके देना है। और अगर आपको इस तरीके के और सेशन चाहिए तो आप हमारे इस सेशन को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका समय शुभ हो। धन्यवाद।